A very good morning to everyone. Today we will do back exercise of chapter 2, uses of computer. This page includes fill in the blanks, true false, tick the right answer and answer in one word. So let's start with fill in the blanks. Fill in the blanks. On the right hand side, hints are given. We will take help from hints and we will do filling the blanks. Number one, a computer is a wonderful dash. Computer is a wonderful means computer ek wonderful hai. Kya hai? Machine. Computer is a machine. So blank mein kya aega? Machine. जो कंप्यूटर है एक बहुत ही वंडरफुल मींस बहुत ही बेहतरीन बहुत हैरान कर देने वाली मशीन है. नंबर टू, यू कैन डैश इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर. दिस मींस कि इस ब्लैंक में क्या आएगा? स्टोर, store, स्टोर. यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर. ही मीन्स आप कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको सेव करके स्टोर करके रख सकते हो. सो हम हिंट के हेल्प से store स्टोर भी आएगा. नंबर थ्री है, यू कैन डैश पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर. आप पिक्चर्स को क्या करते हैं डियर? ड्रॉ. आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ आएगा DRAW, ड्रॉ. ड्राइंग करते हैं ना आप, तो आप कंप्यूटर पे क्या कर सकते हो? यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर. नंबर फोर, यू कैन लिसन टू डैश स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर. तो आप कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं, क्या सुन सकते हैं? म्यूज़िक. आप कंप्यूटर ऑन कीजिए, कोई भी सॉन्ग सुनना है आपको, आप वो प्ले कर सकते हैं. तो जो भी कंप्यूटर में हमने सेव करके म्यूज़िक रखा है हम उसे सुन सकते हैं. यू कैन लिसन टू म्यूज़िक स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर. तो फिलअप्स हमारे डन है. नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स. अ कंप्यूटर कैन नॉट सॉल्व सम्स. जो कंप्यूटर है वो सम सॉल्व नहीं कर सकता है. तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो आप बताइए, ट्रू और फॉल्स, कंप्यूटर क्या सॉल्व कर सकता है सम? कर सकता है. कंप्यूटर कैन सॉल्व सम, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कैन नॉट, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं, कंप्यूटर सम सॉल्व नहीं कर सकता. तो ये रॉन्ग है. तो हम यहाँ लिखेंगे F, F फॉर फॉल्स. नेक्स्ट, यू कैन नॉट प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. आप कंप्यूटर पे गेम्स प्ले नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप तो गेम्स प्ले कर सकते हो. तो ये भी रॉन्ग हो गया. फॉल्स एफ लिखेंगे, क्योंकि हम कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं. यू कैन राइट लेटर्स एंड स्टोरीज ऑन अ कंप्यूटर. जब मैंने लेसन की एक्सप्लेनेशन की थी तो आपको एक्सप्लेन किया था यूजेस में कि हम कंप्यूटर पे क्या कर सकते हैं. कोई भी लेटर लिखना है, कोई स्टोरी लिखनी है या कोई टाइपिंग करनी है तो हम कंप्यूटर पे वो कर सकते हैं. सो ट्रू, ये सही है. सो वी विल राइट ट्रू, राइट. हम कंप्यूटर पे लेटर्स भी लिख सकते हैं, स्टोरीज भी लिख सकते हैं. यू कैन वॉच मूवीज ऑन अ कंप्यूटर. आप कंप्यूटर पे मूवीज देख सकते हैं. यस, यू कैन वॉच. आप कंप्यूटर पे मूवीज देख सकते हैं. तो ये भी क्या आएगा आपका? ट्रू. पी, टिक द राइट आंसर. अ कंप्यूटर इज यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. कंप्यूटर क्या हमारे को ग्यारह तीन ऑप्शंस दिए हैं, गेम्स, सम्स और मैसेजेस. तो हम गेम्स इधर से उधर भेज सकते हैं? नो. सम्स इधर से उधर भेज सकते हैं? नो. लेकिन हम मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सेंड कर सकते हैं. सो अ कंप्यूटर इज यूज टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस. अ कंप्यूटर इज यूज टू मेक डैश इन शॉप्स एंड मॉल्स. ऑप्शन है म्यूजिक, लेटर और बिल्स. क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर इज़ यूज टू मेक डैश इन शॉप्स एंड मॉल्स. तो शॉप्स और मॉल्स में कंप्यूटर क्या करता है? म्यूजिक बनाता है? नो. मेक मीन्स बनाना, लेटर नो. बिल्स, हम किसी शॉप में कुछ सामान खरीदते हैं वहाँ से हमें बिल मिलता है, मॉल में जाते हैं वहाँ से भी हमें बिल मिलता है. तो हम बिल के आगे टिक करेंगे और ब्लैंक में बिल लिख देंगे, बिल्स.
You can use the dash for entertainment and booking tickets. Monitor, internet, CPU. तो CPU तो है हमारा brain of computer है, तो उसको हम entertainment और booking ticket के लिए नहीं use कर सकते. मॉनिटर हमारा डिस्प्ले करता है, तो हमारे पास क्या बचा? इंटरनेट. तो अब यू कैन यूज़ इंटरनेट फॉर एंटरटेनमेंट एंड बुकिंग टिकट्स. नेक्स्ट है आंसर इन वन वर्ड. हमें एक वर्ड पे आंसर देना है. आपका नंबर वन है नेम अ प्लेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड. एक ऐसी जगह बताओ जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ होता है. तो सबसे पहले कंप्यूटर स्कूल, बैंक, होम. तो आप स्कूल, बैंक, होम में से कुछ भी लिख सकते हैं. हेयर आई हैव रिटन स्कूल. स्कूल में भी यूज़ होता है, बैंक्स में भी, ऑफिसेस में भी, होम में भी यूज़ होता है. व्हाट कैन यू डू ऑन अ कंप्यूटर. आप कंप्यूटर पे क्या क्या कर सकते हो? आप गेम्स प्ले कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो, लिसन म्यूजिक. सो आई हैव रिटन हेयर ड्राइंग. हमें एक एक ही आंसर लिखना है, तो आप कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो. तो व्हाट यू कैन डू ऑन अ कंप्यूटर, यू कैन डू ड्राइंग. नेम अ कार्टून मूवी दैट यू हैव सीन ऑन अ कंप्यूटर. एक ऐसी कार्टून मूवी बताइए जो आपने कंप्यूटर पे देखी हो. तो आई हैव रिटन स्पाइडरमैन. अब आपने और भी बाल गणेशा या लिटिल कृष्णा, ऐसी बहुत सी मूवीज आई थिंक आप में से किसी बच्चों ने देखी होगी. तो यू कैन राइट एनी वन जो आपने देखी है. एंड आप स्पाइडरमैन भी लिख सकते हो, और अपनी चॉइस की जो आपने कंप्यूटर पे मूवी देखी है आप वो भी लिख सकते हो. तो आई विल राइट है स्पाइडरमैन. नाउ वेयर डू वी यूज़ कंप्यूटर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग. टीचिंग और लर्निंग, पहले हम जब स्कूल जाते थे तब स्कूल में टीचिंग एंड लर्निंग होती थी, बट ड्यू टू कोरोना टीचिंग एंड लर्निंग इज़ फ्रॉम होम. तो आप यहाँ पे स्कूल, होम कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग अब फ्रॉम होम एंड स्कूल दोनों चल रही है. तो यू कैन राइट हेयर स्कूल और होम. यहाँ पे भी आप नंबर वन पे भी स्कूल और होम लिख सकते हो. आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू वेरी मच.